देश में कोरोना वायरस का विकराल रूप एक बार फिर लौट आया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 59,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। पिछले 5 महीने में देश में एक दिन में सामने आए ये सबसे अधिक केस है। इतना ही नहीं, देश में 24 घंटे में कुल 257 लोगों की मौत हुई है, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ एक बार फिर देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या भी 4 लाख को पार कर गई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या अब 1,18,46,652 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के कारण हुई कुल मौतों की संख्या 1,60,949 पहुंच गई है। कोरोना का कहर एक नजर में, जी हाँ, 24 घंटे में कुल केस 59,118, 24 घंटे में कुल मौतें 257, 24 घंटे में कुल रिकवरी 32,987, देश में कुल कोरोना केस 1,18,46,692, देश में कुल रिकवरी 1,12,64,637, अभी एक्टिव केस कितने हैं 4,21,066, देश में कुल मौतें 1,60,949। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के साथ सबसे खतरनाक ट्रेंड एक्टिव केस का है। भारत में एक बार फिर एक्टिव केस की संख्या 4 लाख को पार कर गई है। शुक्रवार सुबह तक देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 4,21,066 हो गई है। देश में पिछले 5 दिनों के अंदर एक्टिव केस की संख्या 1 लाख पार कर गई है, जो अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। इसी हफ्ते की शुरुआत में देश में एक्टिव केस की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी, जो अब 4.25 लाख तक पहुंच गई है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।